हमने ये एफ़ आई पी का प्रोजेक्ट बनाया है इसरा यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं फाइनल ईयर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हम स्टूडेंट हैं ये मेरे साथ हम तीन लड़के और हैं और एक और है हमने ये जो प्रोजेक्ट उठाया इसमें हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई है हमने इसको प्योरली इलेक्ट्रिक पे रखा है वो हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमारा माहौल वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेड है उसके अंदर हमारा मेन टारगेट ये था कि हम इसको नो इमिशन ऑफ गैसेस पे मतलब काम करें और एयर जो है इसके अंदर वो है नहीं एग्जॉस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ी है बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल पेश आई हैं क्योंकि हम लोगों ने इसके पार्ट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल मिलते हैं क्योंकि गाड़ियाँ कम कटती हैं इस जगह पर डिफरेंशियल जो हमारे को मिला वो हमारे को प्योरली यहाँ का नहीं था पाकिस्तान का तो हमें चाइना से मंगवाना पड़ा और चाइना से जब मंगवाया तो हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रेशन वगैरह करनी पड़ी है हमारा मेन टारगेट ये भी था मेन ऑब्जेक्टिव ये कि हम इसको लाइट वेट करें गाड़ी को अब इतना भी लाइट वेट नहीं है कि मतलब ये चल ना सके हवा को रजिस्ट करती है बिल्कुल ये ये कैरी कर सकती है हमारा लोड पाँच बंदों का आराम से तो हमारा बजट जो था वो दो लाख का था और दो लाख के अंदर हमने ये तैयार की है और सीट हमने दो रखी हैं क्योंकि बजट का इशू था फोर सीट पे भी बन सकती है और इसको हम अगर मतलब फंड्स हमारे पे मिल जाए तो इसको ही हम आगे मतलब ले जा सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं जो हमारे फ्यूचर वर्क के अंदर आ सकती हैं वो है हमारा सोलर अगर हम इसके अंदर सोलर लगा दें तो हम अगर धूप में चला रहे हैं तो वो चार्ज होती रहेगी धूप के अंदर मतलब चार्ज भी साथ साथ होती रहेगी और एनर्जी भी नहीं लेगी और धूप की एनर्जी से चलती रहेगी इसमें कोई इमिशन नहीं है गैसेस की वो इसमें कि जैसे हमारी जो नॉर्मल गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह या फिर और जो गैसेस होती हैं हमारे माहौल को भी ख़राब करती हैं मरी का जो वाक़ हुआ था उसमें जो हीटर चला के जो लोगों की डैथ हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अंदर अंदर ही गाड़ी के अंदर जो सोते सोते जिनकी डैथ हो गई अब उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है क्योंकि इसमें कोई गैस नहीं है गैस कोई अंदर नहीं आएगी और ऐसा कोई वाकया नहीं होगा ये हमने ए टू जेड जो है गाड़ी यानी बिल्कुल इसकी मॉडलिंग भी खुद की है कटिंग भी खुद की है वेल्डिंग भी खुद किया है इसके ऊपर यानी अगर हमने किसी चीज़ का शेयरिंग लिया तो वो भी हमें इसको अल्टर करके बनाया हुआ है जैसे हम शेर शाह गए उधर से हमने इसका सामान वगैरह ख़रीदा तो ये नहीं कि सामान इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स आ गया तो उससे हमने बिल्कुल एक अल्टर किया और इसके मुताबिक जो है हमने उसको डिज़ाइन किया फिर बनाया हम खुश हैं अभी कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल है यानी इसके अंदर कोई वो ख़ामी नहीं है हम इसको चला सकते हैं एक यानी अच्छे वे के अंदर अपनी सोसाइटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि जैसे आप देखा हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने बना दी हम हम ये नहीं कर रहे कि कह रहे हैं कि हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करें हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे मुल्क में गाड़ियाँ चलती हैं आई सी इंजनस पर चलती हैं वो यानी कि वो पॉल्यूशन बहुत क्रिएट कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसी ई पॉलिसी निकाले जिससे मुल्क का भी भला हो और हमारे जो मुल्क के इंजीनियर्स हैं उनका भी भला हो और वो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में प्रोडक्शन में कामयाब हों और ताकि हमारी इकनॉमी ऊपर जाए